नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जनपद ललितपुर की तालवहट तहसील के ग्राम तरगुआ में लापरवाही का एक भयानक मंजर देखने को मिला है, जहां एक गौशाला गौवंश के लिए कब्रगाह बनती जा रही है। गौवंश की यह दुर्दशा देखने के बाद तो कम से कम सोए हुए प्रशासन को कुंभकर्णीय नींद से जागना ही चाहिए। वैसे तो क्षेत्र की अधिकांश गौशालाओं की हालत बद से बदतर है, इसके बाद भी जिम्मेदार बेखबर बने हुए हैं। गौमाता के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा के शासनकाल में गायों की वास्तविक स्थिति बेहद चिंतनीय है। एक तरफ गौशाला के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों ने देश भर में ऐसा माहौल बना रखा है जिससे लोगों में मरी गाय को उठाने तक को लेकर भय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश के कई गौशालाओं में पिछले लंबे समय से गाय मौत का शिकार हो रही है। बड़ी संख्या में गायों के तड़प तड़प कर मरने की यह पहली घटना नहीं है। पहले भी चारे, पानी, चिकित्सा और देखरेख के अभाव में गायों की मौतें हुई हैं और मृत गायों के शवों को खुले में छोड़ दिया गया है। जहां मोदी और योगी सरकार अन्ना गौवंश की सुरक्षा के लिए गांव-गांव गौशाला खोलकर गौवंश को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है, वहीं जिम्मेदारों द्वारा गौवंश के संरक्षण के पर्याप्त इंतजाम न किए जाने के कारण गौवंश भूख से तड़प कर अपनी जान दे रहा है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है विकासखंड तालवहट क्षेत्र के तरगुआ आज़ादपुरा गांव में, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नवीन गल्ला मंडी में अस्थायी गौशाला शुरू की गई थी, जिसकी व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए ग्राम प्रधान, सचिव, लेखपाल को जिम्मेदारी दी गई थी। मगर जिम्मेदारों द्वारा गौवंश के संरक्षण के पर्याप्त इंतजाम न किए जाने के कारण बीते कई दिनों से यहाँ लगातार गौवंश की मौतें हो रही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि तरगुआ स्थित यह पशु आश्रम स्थल गौवंशों की कब्रगाह बन गया है। भूख, प्यास व देखरेख के अभाव में यहाँ कई गायों की मौतें हो रही हैं। जानकारी मिलने पर पशु चिकित्सा अधिकारी एश के शाक्य गौशाला आए। जब वहाँ के चौकीदार से उन्होंने मृत गायों के बारे में पूछा तो गायों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन इसका जिम्मेदार है, तो उन्होंने बताया कि इस सब की जिम्मेदारी प्रधान व संबंधितों की होती है, वे ही जिम्मेदार हैं। पूछने पर सचिव पूजा यादव ने बताया कि सरकार से हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, हम और लेखपाल व प्रधान मिलकर भूसे का प्रबंध कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम लोग व्यवस्था करते हैं। जबकि गायों की मौतों पर सभी जिम्मेदार अलग अलग तर्क देते दिखाई दिए। हालांकि गायों की मौत होने के बाद मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया गया और मौत के बाद उन्हें पास के मैदान में फेंक दिया गया, जहां मक्खियां उन्हें खा रही हैं, जिससे संक्रमण फैलने का भय बना हुआ है। लापरवाही का आलम यह है कि दो दिन बाद भी मृत गायों के शव ना तो पीएम किए गए हैं और ना ही ठीक से दफनाए गए हैं। लापरवाही की हद तब पार हो गई जब जेसीबी द्वारा गायों को मिट्टी से दबाया जा रहा था। उस वक्त वहां मौके पर प्रधान पुत्र भी मौजूद थे, लेकिन गायों को ना तो ठीक से दफनाया गया, ना ही पुराने पड़े अवशेषों को वहां से हटाया गया, जिसे खुद उप जिला अधिकारी मोहम्मद कमर ने मौके पर पहुंचकर देखा। जब उन्होंने वहां मृत पड़े गौवंश को इस हालत में देखा तो मौजूद सचिव पूजा यादव और प्रधान पुत्र महेश से इस लापरवाही की जानकारी की। अब देखना यह होगा कि इस प्रकार की लापरवाही पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर क्या कहना है इस मामले से जुड़े जिम्मेदारों का, ललितपुर से हमारे जिला ब्यूरो नासिर मीडिया की इस रिपोर्ट में। तरगुआ में अस्थायी गौशाला बनाई गई है, इसमें दर्जनों जानवर मर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, अभी हम लोग को ये जानकारी नहीं कर दी, आज ही बताएगा। आज अभी जो मौके पर देखा, एक तो अभी ताजा ही हमारा हुआ, आप लोग बता रहे कुछ चार पांच कंकाल पड़े हुए हैं। एक्चुअली इसमें ये होना चाहिए कि जो मृत हो जाते हैं उनको दफनाया जाना चाहिए, ये इनकी कमी रही कि इसको मृत होने के बाद दफनाना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर को बुला के उसका संविच्छेदन भी कराना चाहिए ताकि पता चल सके ये क्यों मृत हो गई है।
बस मधुदरा चौकीदार का कहना है कि डॉक्टर महीनों भर नहीं आते हैं यहाँ पर। ना ये बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, पास में है बिल्कुल, थोड़ी दूर है। इन्होंने भी बताया कि कॉल करते हैं तब भी डॉक्टर साहब नहीं आते, करीब एक महीने से डॉक्टर साहब नहीं आए, आज ही केवल आए हैं। ये अभी कोई हमें जानकारी नहीं किसी ने दी कि ऐसा भी हो रहा है, नहीं तो सबको आदेश है कि सब लोग जाएंगे। चौकीदार साहब आप यहाँ मौजूद हैं, आप साहब के साथ बताएं, सामने बोलो क्या है, डॉक्टर साहब यहाँ पे आते हैं या नहीं आते? एक महीना जोर से बोलो। एक महीना से नहीं आए हैं। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? आपको नहीं पता आप कब से यहाँ चौकीदार? दो महीने से आप चौकीदार हो, आपके सामने क्या डॉक्टर कभी नहीं आए? सर आपने जो यहाँ आकर आज मुआयना किया है इसमें आप किसे दोषी मानते हैं? अब इसमें देखो सबसे बड़ा तो ये जो भी इस तरह काम होता है, ये हमारा जो निकाय स्थानीय है यानी ग्राम प्रधान, ये इनकी जिम्मेदारी आती है कि ये व्यवस्था करें। यानी कि प्रधान दोषी हैं? बिल्कुल।